नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश झा कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट में साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में मैं आपसे स्किजोफ्रेनिया के संबंध में बात करने जा रहा हूँ। स्किजोफ्रेनिया या सामान्य भाषा में कहें तो साइकोसिस एक सामान्य मानसिक बीमारी है। स्किजोफ्रेनिया का प्रिवलेंस अराउंड 1% है। इसका यह अर्थ है कि 100 में से एक व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया की समस्या हो सकती है। स्किजोफ्रेनिया की समस्या अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ के मुकाबले अधिक होती है। स्किजोफ्रेनिया के सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं। हियरिंग ऑफ वॉइसेस, आवाज़ों का सुनाई देना। पेशेंट को ऐसा लगता है कि 2-3 लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं या उसके किसी काम पे कमेंट कर रहे हैं। कई बार ये आवाज़ें पेशेंट को कमांड भी देती हैं या आज्ञा देती हैं, जिस पर पेशेंट एक्ट भी कर सकता है। डिल्यूज़न यानी कि फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। पेशेंट को ऐसा लगता है कि घर परिवार के सदस्य या आसपास के लोग किसी षड्यंत्र में शामिल हैं और उसे किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेशेंट को ऐसा विश्वास भी होता है कि रोड पे चलने वाले लोग या घर परिवार के लोग या जिस दुकान पे वो सामान खरीदने जाते हैं वहाँ पे लोग उसकी तरफ देख के उसी के बारे में बात कर रहे हैं। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि वो जो भी बातें सोचता है बिना कहे ही सबको पता चल जाती है। इसके बारे में पेशेंट अपने एजुकेशन के मुताबिक कुछ एक्सप्लेनेशंस दे सकता है, जैसे कि लोगों ने किसी भी प्रकार का चिप उसके दिमाग में फिट कर दिया है या कोई जादू टोना कराया गया है। स्किजोफ्रेनिया के निगेटिव सिम्टम्स भी अहम हैं, जैसे कि विड्रॉन बिहेवियर। पेशेंट ज़्यादातर समय घर में बिताता है, हाउस बाउंड रहता है। पेशेंट अपने पर्सनल हाइजीन का कम ख्याल रखता है, खाना पीना नहाना धोना किसी के कहने पर ही करता है। इसके अलावा नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, एग्रेसिव बिहेवियर, ये सब भी स्किजोफ्रेनिया में देखा गया है। यदि परिवार का कोई सदस्य पर्टिकुलरली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे कि माता पिता या कोई भाई बहन स्किजोफ्रेनिया की समस्या से पीड़ित है तो स्किजोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ जाता है। इसी प्रकार से कुछ नशा जैसे कि कैनाबिस, जिसे हम आम भाषा में भांग कहते हैं, उसका सेवन करने से भी स्किजोफ्रेनिया का रिस्क 6 times तक बढ़ जाता है। स्किजोफ्रेनिया एक ऐसी समस्या है जिसका असर न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बल्कि फिजिकल हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है। इसका एक अहम कारण पेशेंट का सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इंक्रीज यूज़ ऑफ टोबैको एंड अदर ड्रग्स है। स्किजोफ्रेनिया का इलाज संभव है। स्किजोफ्रेनिया के इलाज में दवाई एवं साइकोलॉजिकल सपोर्ट का अहम रोल है। अगर सही समय पर इलाज लिया जाए तो परिणाम भी अच्छे रहते हैं। हम कैलाश हॉस्पिटल न्यूरो इंस्टीट्यूट सेक्टर 71 में मानसिक रोग से संबंधित उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान करते हैं। वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।